फूल को फूल नहीं देख। आज उदयपुर में हमारा है डे टू, तो आज हमारा प्लान था करणी माता टेम्पल जाके सुबह की सनराइज देखने का। हम थोड़ा लेट हो गए, अभी हम निकले हैं घर से, मस्त रेडी वेडी होके हम जाएंगे अभी सिटी पैलेस। तो भाई साहब हम अभी है उदयपुर में और आपको जैसे पता ही होगा हम निकले हैं अपनी राम प्यारी के साथ, एमटी के साथ। तो भाई एमटी ने अभी तक साथ नहीं छोड़ा, ना छोड़ेगी, बस हालत इसकी थोड़ी गंदी हो गई है, तो इसको धुलवा लेंगे रास्ते में जब रिटर्न में आएंगे। तब अभी फिलहाल निकल रहे अपन सिटी पैलेस जाने के लिए। तो एक उस गली है जहाँ पर हमने पार्किंग की थी, क्योंकि एग्जिट पार्किंग की इतनी जगह थी पहले, पर तब यहाँ पर कार पार्किंग थी, अभी कार वार सब वाले सब चले गए हैं। जब थोड़ी देर में निकलेंगे सिटी पैलेस के लिए, और रोहित भाई भूल गए थे ये टोपा जो मैंने पहना है, तो बोले मेरे को भी चाहिए, तो वो जा गए हैं ऊपर लेने। तो हमारा होटल करीब तीसरे फ्लोर पे है, तो थर्ड फ्लोर पे क्या लेने भाई, थर्ड फ्लोर पे। ये है सिटी पैलेस का मेन गेट, यहाँ से टिकट मिलेगी जो अभी हम जा रहे हैं लेने के लिए। दो टिकट ले लिए हमने, दो टिकट पर एक टिकट की प्राइस है 300 रुपये। आगे टिकट 300 रुपये चाहिए, नेक्स्ट लेवल की वाला है पार्किंग। गाइस हम सिटी पैलेस में एंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा पैलेस है, 2 किलोमीटर में फैला है। हाँ, ये पैलेस करीब 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये उदयपुर का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का ये पैलेस है। हमने जस्ट एंटर किया है गेट से सिटी पैलेस के, और आप गेट देख सकते होगा, ये अंदर का व्यू है। पेंटिंग मस्त मस्त की है यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से काफी सारे बच्चे आए हैं, यहाँ पे एक सूची दी गई है जहाँ पे दिखाया गया है कि महाराजा उदय सिंह से लेके महाराजा भगवत सिंह किन किन राजाओं ने कितने दौर तक विकास किया अपने महल का। यह है सिटी पैलेस का मुख्य द्वार, तो हम वहाँ से इसके अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं म्यूजियम कैसा है। ये तेरी वाली है, मेरी वाली है। महाराणा प्रताप कक्ष, और इसके अंदर काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप के सारे हथियार, इनका पुतला है यहाँ पर, और यहाँ पे जो इनका शील्ड जो ये युद्ध में पहनते थे वो सब, और इसके ठीक बाजू में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन सा सामान कितने किलो का था। अकबर की तरफ से फाइट किया था जयपुर के राजा मान सिंह, अपनी बहन का शादी कर दिया जोधा बाई का, इसीलिए जोधा अकबर मूवी बना है। तो मान से फाइट किया था राणा प्रताप के अगेंस्ट, जो अकबर की तरफ से आए थे, देखिए फाइट कैसे हुआ था। महाराणा प्रताप चेतक घोड़े के ऊपर है, महाराणा प्रताप चेतक घोड़े के ऊपर है, मान से हाथी के ऊपर है। महाराणा प्रताप से अपने बाले से अटैक किया मान सिंह के ऊपर, मान से ने सिर झुका लिया, अगर सामने वाला सिर झुका था तो सरेंडर कर दिया। महाराणा प्रताप ने देखा सिर झुका दिया, सरेंडर कर दिया, राणा प्रताप छोड़ देते हैं, लेकिन मान सिंह चीटिंग करते हैं, इनके हाथ में जो लगा होते ना वो अपने हाथी को देते हैं, अभी जिस एरिया में हम खड़े हैं वहाँ पर राजतिलक होता था, और जो महिलाएं रहती थी वो उस दीवारों से उस छुप के वहाँ से देखा करती थी राजतिलक। ये सभी मार्बल है, चूना नहीं, सभी मार्बल घुस किया,
सर शायद आपने नाम सुना होगा मखराना। पालतू कबूतर मैसेज देने वाले उनके लिए एक स्पेशली रूम बनाया था, पिंजरा बोल सकते हैं। दरबार का सेटअप है ये, इसमें लिखा है कि किंग जॉर्ज वी उन्होंने एक सभा बिठाई थी जिसमें सारे राजाओं को बुलाया था पर उसमें से एक राजा नहीं आया था। उनका नाम क्या था भाई, क्या था, क्या था? महाराणा फतेह सिंह। वो उनकी कुर्सी है ये, फतेह सिंह। व्यू आपको दिखाते हैं हम अर्जुन उदयपुर यहाँ से व्यू देखिए आप, पूरी उदयपुर सिटी दिख रही है यहाँ से, पूरी उदयपुर सिटी दिख रही है यहाँ से, मेरी बाइक भी दिख रही है ओवर ही पार्क। तो इस सिटी पहले से बहुत सारी बालकनीज है, अभी हम खड़े हैं बालकनी में जहाँ से उदयपुर सिटी पूरी की पूरी दिख रही है, आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर है। महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय के शादी के समारोह का फोटो इस चित्र में दिखाया गया है। वाह अजब भाई, काफ़ी मस्त यार। और यहाँ पर जो आपको पेंटिंग्स दिख रही है सारी जिसमें गोल्डन कलर चमक रहे हैं, वो सारे गोल्ड यूज़ किए गए इसमें। ऊपर देख सकते हो आप काफ़ी भीड़ है, जो मेन मजा है व्यू का यहाँ से आता है जहाँ पे लोग काफ़ी भीड़ लगा के बैठे हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू आएगा लेक का, पूरा जो उदयपुर सिटी का। तो ये जैसे खाली होगा वैसे हम वहाँ पर चले जाएँगे, बस वेट करें खाली हो। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ये है क्या है भाई, पैलेस, लेक पैलेस है। और आज साइड साइड में बोटिंग वोटिंग हो रही है, सोच रहे हैं हम भी थोड़ा करने का, अब यहाँ से जैसे निकलते हैं वैसे सोचेंगे, अच्छा लगा तो कर लेंगे। वो जा रही है बोटें, तीन तीन घूम रही है भाई लाइन में, और भी है चार पाँच छः बहुत सारी है भाई। और यहाँ हर एंट्रेंस की हाइट कम रखी गई है ताकि जो भी आए वो सिर झुका कर आए। ये जो दरवाजे बनाए गए वो हाथी के दांत यूज किया गया है इस दरवाजों में। तो अगर आप यहाँ आते हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गाइड्स के पीछे पीछे चलना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद ही मिल जाएगी। तो हम भी पीछे जा रहे हैं पर ये कौन सी लैंग्वेज बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। तो गाइड्स आपको अगर पता हो ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी चलते हैं आगे। वेटिंग मशीन है, देख सकते हो आप कैसा है। भाई ये उस जमाने का बर्तन है जब राजा महाराजा खाना बनाते थे बर्तन में, सारे कपड़े में सारा जैसे लेके चक्की तक सब। ये वो पंखा है जिसकी मैं बात कर रहा था, केरोसिन वाला, केरोसिन चलता है ये पंखा पुराने जमाने का। वो उसके ब्लेड्स आगे लगे हैं, नीचे केरोसिन का कैन लगा है वहाँ पे, चिमनी में जैसे केरोसिन डालते हैं ना वैसे नीचे डालना होता है केरोसिन। कौन से राजा बैठे हैं भाई, मेवाड़ मंदिर के टुकड़े हैं, इनको हाथ लगाना अलाउड नहीं है, फिर भी हम हाथ लगा रहे। तो ये राजा जी के सन, राजा जी के बहू, ग्रैंड डॉटर से ग्रैंड से नहीं रहते साथ में, एक दो तीन चार पाँच। उस जमाने का घोड़ा भी पूरा चांदी चांदी था भाई। सिल्वर कोकोनट, सिल्वर नारियल, सिल्वर सन, काफी मात्रा में चांदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हद से ज्यादा भाई। तो गाइस ये था उदयपुर का मशहूर पैलेस, सिटी पैलेस। तो होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको में, टिल देन टेक केयर, हैव फन। के बाद हम जाने वाले हैं मॉनसून पैलेस, मॉनसून पैलेस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।